Hi, good morning everyone. Today is 3rd of April 2017 and almost second day of fresh month है. तो आज हम कुछ यू नो फिर से अपने रूल्स को रिव्यू करेंगे, बट वो अभी मैं बाद में उस बात पे आती हूँ. सो लेट्स बिगिन आर डे, एंड एज वी ऑलवेज बिगिन, विल बिगिन आर डे विद एनालाइजिंग निफ्टी. तो निफ्टी हैज ओपन गैप अप, राइट? एंड मे बी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल क्यूज, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी वॉज लिटल अप. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज 15 मिनट्स का ग्राफ, राइट? सो ये 15 मिनट का ग्राफ है. निफ्टी हैज ओपन अकॉर्डिंग टू दिस 9223 पे, और वहां से 20 पॉइंट्स ये नीचे आई. और मुझे अभी भी वट एवर सेड एंड डन, यू नो इतनी बड़ी ये कैंडल है बेरिश, बट मुझे निफ्टी का ट्रेंड ऊपर का ही नजर आता है. मैं उसका रीजन आपको दिखाती हूँ. कि एक तो ये इसने देखिए कितना स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम बनाया है 50 मूविंग एवरेज का. देन सेकेंड रीजन जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो 10 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही है, राइट? तो अभी हमको वेट करना है. विल वेट फॉर द मोर करेक्ट एंड पॉजिटिव यू नो सिग्नल्स. ये 10 मूविंग एवरेज कैंडल्स को टच करनी चाहिए, और उसके बाद इफ पॉसिबल दिस निफ्टी शुड गो अप. एंड फ्यू अदर रीजन्स जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वन इज दैट द आर एस आई इज अबव यू नो 60. एम ए सी डी इज ऑल्सो ओपन, मतलब इसका क्रॉस ओवर नहीं हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ. सो मुझे लगता है कि काफ़ी बुलिश साइंस है निफ्टी के ऊपर जाने के. और बट एट द सेम टाइम आई वुड सिट वेरी कॉशियसली, यू नो एनी मोमेंट, मतलब यू डोंट नो वॉट मे हैपन, बिकॉज इतना ज़्यादा रन अप हो चुका है निफ्टी का. तो कितना और ऊपर जाएगी, वी हैव नो आइडिया, राइट? सो हम वेट करेंगे. थोड़ा सा और फाइन ट्यून करना है तो आप 5 मिनट्स पे जाइए. और यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे कि इसको 5 मिनट्स में कम से कम यहाँ तक, इस पॉइंट से अगर 9195 तक नीचे आएगी, उसके बाद ही इसको ऊपर चलना है. मतलब उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रॉपर सपोर्ट लगाया. बट मुझे लगता है देखिए, इसने ऑलरेडी ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया. So Nifty has a very very positive stance right now. So hope for the best. So before I proceed on, you know, मैं ये मेरा 61st video है, और मैं अपना 60th video देख रही थी, जिसमें कि मैंने discuss किया था कि हम Dr. Reddy को हम downward direction में हम कभी भी buy नहीं करेंगे. तो मुझे अपनी आवाज़ सुन के लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा irritated या बहुत ज़्यादा angry mode में बात कर रही हूँ. बट मैं बहुत एनालाइज इस बात को कर रही थी. फिर मैंने ये सोचा कि ये बेबसी वाली आवाज़ थी, मायूसी वाली आवाज़ थी, या हेल्पलेस आवाज़ थी, यू नो, वेर आई वॉज नॉट बींग एबल टू फिगर आउट कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, ठीक है? तो मैंने फिर उस दिन ये सोचा बैठ के कि एक बार फिर से हम रूल्स बनाते हैं अपने, और हम में से कोई भी अगर ट्रेड लेगा, एनी बडी हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो, हैव टू इंश्योर दैट दोज टिक मार्क्स हैव बीन मेट, right? Because you know it takes a few second to lose money, you know, kuch zyada der nahi lagti hai. Aap ek wrong trade lenge and you are gone, your money is just wiped out. It's so huge, stock market is so huge. So what I want to tell you now, first and foremost, jab bhi aap kisi din trade lenge, sabse pehle aap nifty ko analyze karenge. Nifty ki kya direction hai, jab aap ekdam clear ho jate hain nifty ki direction ke bare mein, then you will think about the stock that you want to buy, theek hai? Now the stock that you want to buy should also be in the direction of the nifty. Agar nifty upar ja rahi hai to aapko buy ka trade karna hai, agar nifty niche ja rahi hai to aapko sell ka trade karna hai, theek hai? To aaj ke din, when you are beginning, let's say aaj ke din hum begin kar rahe hain apni April series ko, aap identify karke rakhiye 8-10 stocks jo upar ki taraf ja rahe hain aur 8-10 stocks jo niche ki taraf ja rahe hain, theek hai? Separately अलग अलग कॉलम्स में होने चाहिए आपके पास, एंड देयर इज नो कंफ्यूजन. निफ्टी ऊपर जा रही है, निफ्टी को रेजिस्टेंस लग रहा है, तो आप नीचे के सब ट्रेड्स लेंगे. निफ्टी को सपोर्ट लग रहा है, निफ्टी ऊपर जा रही है, तो आप ऊपर के ट्रेड्स लेंगे, ठीक है? इसके अगेंस्ट आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. ये रूल्स आपको फिक्स कर लेने हैं, आपको अपने आप को आंसर करना है. और अगर आप अपने आप को नहीं आंसर करते, तो मुझे आंसर करिए कि क्यों आप ले रहे हैं ट्रेड. अपने पेपर पे लिखिए. मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि मैं क्यों और क्या बोलना चाहती हूँ. जैसे हमारा LIC का ट्रेड था,
आई वॉन्ट टू आई डोंट हैव इट हियर, आई नीड टू एड अप एल आई सी. सो एल आई सी, लेट मी एड अप एल आई सी हाउसिंग एंड फाइनेंस है ना. लेट से आई टेक दिस ओनली, ये एल आई सी हाउसिंग एंड फाइनेंस है, इसका हम ग्राफ खोलते हैं. ये ग्राफ है, ठीक है. नाउ हमने जब ट्रेड किया था 15 मिनट में, जब मैंने ट्रेड किया था और मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने कहाँ से ट्रेड किया है, यहाँ से ट्रेड किया था मैंने, कहीं पे सपोर्ट लिया था. सपोर्ट लिया था इसने, लेट्स से कहीं पे ये वो फ्यूचर्स था. वो फ्यूचर का ग्राफ तो होगा नहीं मेरे पास अवेलेबल, क्योंकि अब हम नेक्स्ट सीरीज में आ गए. तो हमने एक जगह सपोर्ट लिया था, ठीक है. यहाँ पे लेट्स से हम इसी बात को ले लेते हैं, ये सपोर्ट लिया था, ठीक है. अब आप देखिए, यहाँ पे आपका सपोर्ट लेके क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, ठीक है. अब आपको कोई इतना ज्यादा क्या जल्दी है, ये नहीं लिया हमने, ये नहीं लिया हमने, ये नहीं लिया हमने, ये नहीं लिया, कोई बात नहीं है, हमने यहाँ से ले लिया. ये करीब 1 घंटे का समय आपके पास है पूरा, ठीक है. आप 1 घंटे तक अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना. आप पेपर पे लिखिए उसको, अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करिए और बार बार सोचिए कि आपको ये ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है. आपके पास एक, व्हाई डू यू हैव टू डू ट्रेड्स विच आर ओनली फ्यू सेकेंड्स ट्रेड, डू द ट्रेड्स विच आर एटलीस्ट अ फ्यू डेज ट्रेड, ठीक है. तो आपको इतना, आप पेपर पे अपनी लिखी हुई स्ट्रेटेजी को टिक 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 लगाएंगे, जब सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे उसके बाद ही आपको बाय करना है या सेल करना है, ठीक है. 15 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई रियली वांट यू पीपल टू मेक श्योर दैट आप इस बात से डिविएट नहीं होंगे. आपकी जब सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे, जब निफ्टी की डायरेक्शन आप डिसाइड कर लेंगे, जब आप डिसाइड कर लेंगे कि ये स्टॉक आप प्रीवियस डे करके रखिए तैयार, कि ये मुझे अगर ऊपर जाएगी निफ्टी तो लॉन्ग करने, अगर नीचे जाएगी तो मुझे शॉर्ट करने. कितने सारे लोग हैं जो मुझे ईमेल्स करते हैं कि मैंने ये ट्रेड्स बनाए हैं, ये आपके ट्रेड्स बनाए हैं, डाउन के ट्रेड्स बनाए हैं, मुझे सैटरडे से भेजने लग रहे हैं, ठीक है. आई एम रियली हैप्पी इफ यू आर थिंकिंग अ डे बिफोर, यू आर नॉट सिटिंग ऑन द टर्मिनल एंड टेकिंग अ कॉल कि भाई अब ये ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है. नहीं, वो हमारा तरीका नहीं है काम करने का, हम उस तरह से काम कभी भी नहीं करेंगे. सो नाउ आई वॉन्ट टू गो बैक टू द स्टॉक, आई मीन हिडलबर्ग. देखिए, आप लोग सब लोग मुझसे बहुत परेशान थे कि ये तो नीचे चला गया, आपने जिस पॉइंट से बोला. और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें एक अच्छा रन अप आने वाला है. बट ऑफकोर्स अगर निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट होगी या प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अब इसमें मुझे लगता है कि अब वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द लेवल दैट आई टोल्ड यू. हमने 131 पे खरीदा था और आज हम 127.60 पे खड़े हुए हैं, ठीक है. सो आई एम प्रीटी होपफुल एंड श्योर अबाउट इट कि इसको अपना अब ऊपर की तरफ चलना चाहिए, ठीक है. सो आई मीन आई वुड, मेनी ऑफ यू क्वेश्चन मी अबाउट हिडलबर्ग, बट आई वॉज 100% श्योर एंड आई एम स्टिल 100% श्योर कि ये ऊपर जाएगा. Then let's see what's happening in the other stocks that I gave you. Indocount is stagnant for a while, but don't worry. Aisa hota hai. Kuch aage. Greenply has started moving up, and then we have talked about Jet Airways. Jet Airways is 535, and many of you have been asking me ki ab to crude ka price upar ja raha hai, to what will happen to Jet? Jet ki apni bhi to ek chaal hai na. There were two factors on which it was riding. One factor was crude going down, but Jet has its own strength also, na. तो उसके हिसाब से मैंने आपको एक target 550 का दे रखा है. आप उससे पहले भी profit book कर सकते हैं, because अगर Nifty नीचे जाएगी तो ये definitely नीचे जाएगा. तो अगर आपको लगता है कि आपने इससे काफी कुछ already earn कर लिया, you can exit it. You know, you take a call now. And you know, ये हमेशा से ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपको लगता है आपने, यू नो, डोंट नीड टू लीव इट टू द एंड कि आप बिल्कुल वेट करें कि निफ्टी 100 पॉइंट्स गिर गई और ये भी 10-12 पॉइंट्स यहाँ से गिर गया, फिर आपने प्रॉफिट बुक किया. अगर आपको लगता है आपने 30,000 रुपये यहाँ कमा लिए हैं, तो आप एग्जिट कर जाइए, है ना. इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू अर्न, फाइन. सो गाइज, बिफोर आई क्लोज टूडे, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन निफ्टी. बिफोर आई क्लोज, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन निफ्टी. निफ्टी इज, यू नो, दिस इज 1 वीक ग्राफ, वील हैव टू सी द 15 मिनट्स ग्राफ. ये 15 मिनट्स का ग्राफ है. तो अभी इसकी डायरेक्शन कुछ डिसाइड नहीं हो पा रही है, अभी हमको वेट करना है, अभी हमको एक्चुअली देखना है. जब तक ये कैंडल्स 10 मूविंग एवरेज को टच नहीं कर जाती हैं,
टच करके या तो ऊपर चलेंगे या नीचे चलेंगे, ये 5 मिनट्स का ग्राफ है, या टच करके ऊपर चलेंगे या नीचे चलेंगे, जिस डायरेक्शन में चलेंगे वहां से हम डिसाइड करेंगे, और RSI एंड MACD विल गिव अस क्लियर सिग्नल. अभी कुछ नहीं है इसमें, अभी देयर इज नथिंग व्हिच इज हैपनिंग. फाइन, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई टेल यू इज दैट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि दोज हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द वी हैड अ गुड ट्रायल रन ऑन सैटरडे and of course there were few initial glitches but we could really proceed from there and today the webinar will begin at 10:30. Those who want to join can join it. Today is going to be once again a fresh class from the beginning what I taught on Saturday, because Saturday was a trial run. So you can today you can pay during the day, that's also fine, no hurry, aap uski chinta mat karo. But if you want to join, send me your email. I will send you the webinar link so that you can start, and after that you can pay, don't worry about that. So there are still few seats available. So guys, analyze your trades in the right direction, right, and then take the trade. And agar meri awaaz se aapko kuch laga ho ki main gussa ya agitated ya irritated aisa kuch ho, to I'm sorry, but basically it was helplessness, you know, ki I really want you people to really really not do anything which is incorrect, right? Do apni capital ko protected rakhiye, apne paise ko safe rakhiye. Please do not incur any more losses. So all the best guys. I have to go and start the preparation for webinar. So all the best guys. I'm hoping the ones who are watching my videos will never do anything which is not falling according to what we have discussed, according to our strategy. So guys, all the best. I'm waiting to hear all the stories that you have with you about winning in your trades. Please keep writing to me. All the best guys. The website is stockpro.co.in and the email ID is stockpro2017@gmail.com. Right? I'm waiting to hear from you. All the best guys. All the best.